नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अरुणा नारोलिया, शासकीय नवीन हाई स्कूल भानपुर भोपाल से। बच्चों, आज की कक्षा में हम क्षितिज भाग एक, जो कि कक्षा नाइन्थ की पुस्तक है, की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं के अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। इसी के साथ हम संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन और बाल श्रम निम्न बिंदुओं की विस्तार से जानकारी लेंगे। आप अपनी पुस्तक के साथ साथ कॉपी पेन रखना ना भूलें और बताई गई बातों को या विशेष बिंदुओं को आप अपनी कॉपी में ध्यानपूर्वक नोट भी करते जाइए, जो आगे आपके लिए लाभप्रद होंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कविता के अभ्यास प्रश्न। बच्चों, आज हम इस कक्षा में बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न हल करेंगे। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। बच्चों के प्रति चिंता और करुणा का भाव उमड़ता है। छोटी सी उम्र में ही इन्हें अपना और परिवार का पेट भरने के लिए ना चाहते हुए भी इन बच्चों को इतनी ठंड में सुबह सुबह उठकर काम पर जाना पड़ रहा है। अगला प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए? इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। बच्चों की इस स्थिति का जिम्मेदार समाज है। कवि द्वारा विवरण मात्र देकर उनकी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। इसके लिए समाज को इस समस्या से जागरूक करने के लिए तथा ठोस समाधान ढूंढने के लिए बात को प्रश्न रूप में ही पूछा जाना उचित होगा। लोगों को बैठकर विमर्श कर इस समस्या का उचित समाधान करना होगा। अगला प्रश्न इस प्रकार से है। बच्चों, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों है? इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चों के वंचित रहने का मुख्य कारण सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक मजबूरी है। समाज के गरीब तबके के बच्चों को ना चाहते हुए भी अपने माता पिता का हाथ बटाना पड़ता है। जहां जीविका के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े तब सुख सुविधाओं की कल्पना करना असंभव सा लगता है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है। बच्चों, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते हुए देख रहा है रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं वो आपको इसमें के उत्तर में लिखने होंगे, जो कि इस प्रकार से रहेगा। इस उदासीनता के कारण के कई कारण हैं। लोग आत्म केंद्रित होने के साथ संवेदनहीन भी हो रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, दूसरों के कष्टों को वे जानने समझने का प्रयास नहीं करते। कई लोगों में जागरूकता की भी कमी है। उन्हें ये भी नहीं पता कि पढ़ाई हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। वे सिर्फ ईश्वर और बच्चों के भाग्य को ही दोष देते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर प्रस्तुत है। बच्चों, आपके अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम पर जाते हुए देखा है? एक बार और प्रश्न में पढ़ने जा रही हूं। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है? इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा। इसका उत्तर आप अपने विचार से भी दे सकते हैं, आपके मन के जो विचार हैं स्वयं के उनके आधार पर भी आप लिख सकते हैं। मेरे विचार इस प्रकार से रहेंगे। शहर में अक्सर बच्चे
दुकान में काम करते नजर आते हैं, दूसरा ढाबों में बर्तन साफ करते नजर आते हैं, तीसरा बड़े बड़े दफ्तरों में चाय देते नजर आते हैं, चौथा बसों में भी काम करते हैं, और पांचवा है बिंदु जो कि है घरों में भी अक्सर कम उम्र के बच्चे ही काम करते देखे गए हैं। इसका उत्तर आप अपने विचार के द्वारा भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा, बच्चे इस देश का भविष्य हैं। यदि बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते तब हमारे देश की आने वाली पीढ़ी भी पिछड़ी होगी, देश का भविष्य अंधकारपूर्ण होगा, उन्हें उनके बचपन से वंचित रखना अपराध तथा अमानवीय कर्म है, इसलिए बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। ये मैंने इसका उत्तर जो मुझे महसूस हुआ वो मैंने लिखा, पर आपके मन के जो विचार हैं वो आपको लिखने हैं, जिसका उत्तर इस प्रकार है, काम पर जाते हुए बच्चों के स्थान पर यदि हम स्वयं को रखेंगे तो हमें अपनी स्थिति अत्यंत कष्टदायक लगेगी, दूसरे बच्चों को खिलौने से खेलते तथा स्कूल जाते देख हमारे मन में तरह तरह के प्रश्न उभर आएंगे, हम स्वयं को उनके समक्ष हीन महसूस करेंगे। कुछ और प्रश्न है बच्चों जो आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रस्तुत है, वो इस प्रकार है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? इसका उत्तर आपको लिखना है। इसका एक उत्तर इस प्रकार रहेगा, मेरे विचार से बच्चों को काम पर बिल्कुल नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की उम्र कच्ची होती है, उनके मन भावुक हैं, बचपन खेलने खाने और सीखने की उम्र होती है, उन्हें पर्याप्त कोमलता और संरक्षण की आवश्यकता होती है, बच्चों को काम पर भेजना उनके बचपन को छीनना है, इसके चलते वे खेल शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं, उससे उनका शोषण होता है, इसलिए बचपन में सभी को पढ़ने खेलने कूदने का अवसर मिलने के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने स्वयं के विचार के द्वारा भी आप दे सकते हैं, ये मेरे विचार थे। बच्चों अब इसी क्रम में हम कुछ अन्य बिंदु की जानकारी भी लेंगे, संवाद लेखन कौशल क्या होता है या संवाद लेखन क्या कहलाता है इसके बारे में हम जानेंगे। संवाद वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संवाद शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ बातचीत है, इसे वार्तालाप भी कहा जाता है, सामान्य रूप से दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है, दो लोगों में हुई बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन की परिभाषा इस प्रकार से रहेगी, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं, दूसरे शब्दों में दो व्यक्तियों की बातचीत को वार्तालाप या संभाषण या संवाद कहते हैं, संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है। संवाद लेखन की विशेषता, संवाद लेखन में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए जो कि इस प्रकार है, उनको हम विस्तार से देखते हैं। पहली विशेषता है स्वाभाविकता, संवाद में स्वाभाविकता होनी चाहिए, संवाद पात्रों की अपनी स्थिति संस्कार आदि को ध्यान में रखकर बोलना चाहिए। दूसरी विशेषता है पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग, संवाद में भाग ले रहे छात्रों की भाषा उनकी शिक्षा आयु आदि के अनुरूप होना चाहिए, एक शिक्षित और उनके साथ संवाद कर रहे अनपढ़ की भाषा में अंतर नजर आना चाहिए।
तीसरी विशेषता है संवाद लेखन की, प्रभावपूर्ण शैली। संवाद को बोलने की शैली प्रभावशाली होनी चाहिए, सुनने वाले पर संवादों का असर होना चाहिए। चौथा बिंदु है जटिलता से दूर। संवाद की भाषा में जटिलता नहीं होनी चाहिए, इससे सुनने वाला बात को आसानी से समझ सकता है और यथाउचित जवाब भी दे सकता है। तो ये इसकी चौथी विशेषता थी। पांचवी विशेषता है शालीनता। संवाद की भाषा में शालीनता अवश्य होनी चाहिए, इसमें अशिष्ट भाषा के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। बच्चों, संवाद लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान भी रखा जाना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। संवाद लेखन की भाषा सरल तथा सहज होनी चाहिए। संवाद लेखन में सरल तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। भाषा सुनने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। संवाद लेखन में किसी एक पात्र के कथन को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। भाव विचारों की पुनरुक्ति से बचना चाहिए, मतलब बार बार भाव विचारों का दोहराव नहीं होना चाहिए। अगला है संवाद लेखन के अंत में एक बार पढ़कर उसे दोहरा लेना चाहिए, ताकि अशुद्धियों का निराकरण किया जा सके। तो ये थी संवाद लेखन में जो बातें हमें ध्यान रखने के योग्य हैं वे। बच्चों, इसी क्रम में हम विज्ञापन लेखन भी जानेंगे कि विज्ञापन लेखन क्या होता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं, जब आप टीवी देखते हैं उसमें आप जो भी कोई कार्यक्रम देखते हैं उसके बीच बीच में जो आपको कुछ वस्तुएं एवं सेवाओं की जानकारी दी जाती है, इसके बारे में ही आज हम जानेंगे। वह क्या है और क्यों दिखाई जाते हैं, बच्चों उनको हम क्या कहते हैं? विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन लेखन भी इसको कहा जा सकता है। तो आइए विज्ञापन या विज्ञापन लेखन क्या है ये जाने। विज्ञापन शब्द ज्ञापन में वी उपसर्ग लगाने से बना है, जिसका अर्थ है विशेष जानकारी देना। यह जानकारी उत्पादित वस्तुओं सेवाओं आदि से जुड़ी होती है। विज्ञापन में वस्तुओं के गुणों को बड़ा चढ़ाकर आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उपभोक्ता लालयित हो और उन्हें खरीदने के लिए विवश हो जाए। विज्ञापन के कारण उत्पादकों को अपनी वस्तुओं के अच्छे दाम मिल जाते हैं, तो उपभोक्ता को वस्तु की जानकारी, तुलनात्मक दाम एवं चयन का विकल्प मिल जाता है। आजकल टीवी रेडियो के कार्यक्रम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, भवनों की दीवारें विज्ञापनों से रंगी दिखाई पड़ती हैं। विज्ञापन लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है ये जान लीजिए। विज्ञापन लेखन का मुख्य उद्देश्य लोगों के समूह पर किसी वस्तु या सेवाओं की विशेषता की छाप छोड़ना होता है, जिससे उस वस्तु या सेवाओं के निर्माता या प्रदाताओं को फायदा पहुंचे। विज्ञापन व्यापार व बिक्री बढ़ाने का एकमात्र साधन है। देखा गया है कि अनेक व्यापारिक संस्थाएं केवल विज्ञापन के बल पर ही अपना माल बेचती हैं। कुल मिलाकर विज्ञापन कला ने आज व्यापार के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है, इसलिए ही इस युग को विज्ञापन युग कहा जाने लगा है। विज्ञापन के अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं, जो उसके प्रकार पर निर्भर करते हैं। विज्ञापन के कुछ प्रकार में आपको बताने जा रही हूँ और उनकी जानकारी दूंगी, जो कि इस प्रकार है। पहला विज्ञापन का प्रकार है स्थानीय विज्ञापन। ये विज्ञापन कंपनियां खासकर स्थानीय क्षेत्र में अपने उत्पाद के विषय में लोगों को बताने के लिए स्थानीय विज्ञापन की मदद लेते हैं। ये मुख्य रूप से छोटे उत्पाद या ब्रांड होते हैं, जो अपने स्थानीय क्षेत्र में ही अपना उत्पाद बेचते हैं। यह ब्रांड अपने उत्पाद के विज्ञापन का प्रसारण स्थानीय पत्र, रेडियो, टीवी, केबल नेटवर्क पर बैनर, पोस्टर और स्लाइड के माध्यम से देते हैं।
अगला विज्ञापन का प्रकार है राष्ट्रीय विज्ञापन। इस प्रकार का विज्ञापन खासकर वह कंपनियां देती है जिनका कारोबार राष्ट्रीय स्तर पर होता है। उदाहरण के लिए माय इंडिया, वह अपने भारतीय निर्मित मोबाइल फोन का विज्ञापन खासकर भारतीय स्तर पर करते हैं, क्योंकि उस उत्पादन के ग्राहक मात्र भारत में ही है। ऐसे विज्ञापन के और कई उदाहरण हैं जो देश मात्र के लिए होते हैं। अगला प्रकार है वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन किसी क्षेत्र विशेष के लिए कई माध्यम से दिया जाता है। आज के आधुनिक युग में तो OLX.in, Quikr.com जैसे वेबसाइट पर ऑनलाइन भी वर्गीकृत विज्ञापन अर्थात क्लासिफाइड एड जिसे हम कहते हैं दिए जा सकते हैं। हालांकि आज भी पारंपरिक वर्गीकृत विज्ञापन के माध्यम जैसे अखबार पत्रिकाओं में दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए रोजगार, वैवाहिकी, पुराने सामानों की बिक्री, किराए के लिए घर आदि विज्ञापन इस प्रकार से प्रकाशित किए जाते हैं। ये वर्गीकृत विज्ञापन हुआ। अगला प्रकार है औद्योगिक विज्ञापन। औद्योगिक विज्ञापन खासकर एक विशेष समूह के उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए कोई फार्म या फैक्ट्री के लिए छोटे बड़े उपकरण, कच्चा माल आदि इस प्रकार के विज्ञापन सामान्य लोगों के लिए नहीं होते हैं। ये कुछ विशेष प्रकार के लोगों के लिए ही दिए जाते हैं। अगला प्रकार है जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। जन कल्याण संबंधी विज्ञापन लोगों का हित, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन यानी लोगों के हित के लिए जो विज्ञापन दिया जाए। इस प्रकार के विज्ञापन खासकर सरकारी और एनजीओ संस्थाओं द्वारा लोगों को जागरूकता देने के लिए दिए जाते हैं। कुछ जन कल्याण संबंधी विज्ञापन तो स्वयं समाचार पत्र और वेबसाइट स्वयं ही प्रकाशित करती है, जैसे शिक्षा से जुड़े विज्ञापन, HIV एड्स पर जागरूकता के विज्ञापन, रक्तदान पर जागरूक विज्ञापन इत्यादि। अब अगला है बच्चों सूचना के आधार पर विज्ञापन। कुछ विज्ञापन सूचना के आधार पर भी होते हैं जिसमें अपने को किसी प्रकार की सूचना दी जाती है। सूचनाप्रद विज्ञापन में मुख्य रूप से किसी विशेष सूचना को लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसमें कई प्रकार की सूचना हो सकती है, जैसे किसी शिक्षा संस्थान के नाम लिखाने की सूचना, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक से जुड़ी सूचना, यातायात सुरक्षा और वन्य प्राणी सुरक्षा से जुड़े विज्ञापन इस प्रकार के विज्ञापन के अंतर्गत आएंगे, जिसे हम सूचना प्रद विज्ञापन कहेंगे। तो ये थे विज्ञापन के प्रकार जो कि हमने विस्तार पूर्वक जाने हैं। आइए अब हम जानें विज्ञापन लेखन कैसे करते हैं। तो कुछ बातें, कुछ बिंदु जो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं वो इस प्रकार हैं। विज्ञापन लिखते समय सबसे पहले जरूरी जानकारी को एकत्रित कर लें। विज्ञापन को लिखते समय कम शब्दों का उपयोग कर अधिक प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश करें। सबसे पहले एक आकर्षक बॉक्स बनाएं और उनमें ही विज्ञापन को प्रदर्शित करें। चौथा बिंदु है वो इस प्रकार है, विज्ञापन की शुरुआत में कुछ आकर्षक शब्दों का उपयोग करें, जैसे खुशखबरी या आकर्षक छूट इत्यादि। अगले कुछ ध्यान रखने योग्य बिंदु है वो इस प्रकार है, बनाए हुए बॉक्स के बाईं ओर वस्तुओं या सेवाओं के गुणों को लिखना चाहिए। दाहिनी तरफ एक आकर्षक चित्र का उपयोग किया जा सकता है। विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिए आकर्षक छूट या सेल जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाना एक बढ़िया विकल्प होता है। विज्ञापन को बेहतरीन बनाने के लिए आकर्षक रंगों का उपयोग किया जा सकता है। तो ये विज्ञापन लेखन
में कुछ ध्यान रखने योग्य बिंदु थे जो आपको बताए गए हैं। एक विज्ञापन लेखन का उदाहरण भी आपके समक्ष प्रस्तुत है, वो इस प्रकार है। यह एक पेंसिल बनाने वाली कंपनी का विज्ञापन लेखन का उदाहरण है जो आप टीवी स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पेंसिल किस तरह से उन्होंने विभिन्न प्रकार की पेंसिलें दी है, ऑफर दिए हैं, इस प्रकार से ये विज्ञापन लेखन का एक उदाहरण है जो कि आपके समक्ष दिखाया जा रहा है। तो आपको ये विज्ञापन लेखन की जरूरी जानकारी समझ आ गई होगी। बच्चों, हमें यह जानना जरूरी है कि बाल श्रम क्या होता है या बाल श्रमिक क्या होते हैं, तो इस पे भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी। बाल श्रम आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराना बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी उद्योग, कल कारखाने या किसी कंपनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले 5 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। हमारे आसपास के बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं या दिनचर्या में हम बहुत सारे बाल श्रमिकों को भी देखते होंगे, आप भी देखते होंगे जो बाल मजदूरी करते हैं। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाल श्रम क्या कहलाता है। तो आज की कक्षा में हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। आशा करती हूँ कि इस जानकारी से आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे और आप इसका लाभ परीक्षा में भी अवश्य लेंगे। ये सारी जो बातें मेरे द्वारा आपको जो बताई गई हैं, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है व्यवस्थित रूप से और उनका विस्तृत अध्ययन करना है तथा परीक्षा के लिए वो याद भी करना है। धन्यवाद।